Welcome back. Let's do some experimentation with the arithmetic operators which are available in Python. Say we define two variables, x having value 3 and another variable y which is having an integer value 4. So print x plus y उसके बाद जो है से नेक्स्ट जो है हम प्रिंट करते हैं x माइनस y प्रिंट x multiplied by y. So these are the arithmetic operators. Addition operator है, subtraction operator है, third print statement के अंदर जो multiplication operator है, then x remainder y remainder operator और x divided by y vn operator x divided by y another vn operator. So we will see the difference in a moment. ये जो है ये कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि दो इंटीजर वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक जो है ऑपरेशंस ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. So you see the first value on the screen, that is 7. Okay, ये हमारी first print statement थी, that was x plus y. Now ये जो addition operator है, it works as an arithmetic addition operator because इसके दोनों operands जो हैं वो क्या हैं, वो integer values हैं, तो वो उन दोनों को add करेगा. Unlike the previous in the example we have seen कि अगर इसकी दोनों साइड पे स्ट्रिंग्स होंगी तो वो क्या करता है, वो उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटेनेट करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है, उन दोनों को जोड़ देता है. लेकिन जब इसके दोनों ऑपरेंड्स जो है वो इंटीजर या फ्लोट यानी नंबर्स होंगे, चाहे वो फ्लोट हो चाहे इंटीजर हो, तो ये क्या करेगा, ये उन दोनों को ऐड करेगा. तो हमारी एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू थी 3, वाई की वैल्यू थी 4, तो 3 प्लस 4 इज 7, सो 7 इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट था, वो क्या कर रही है, वो सब्ट्रैक्ट कर रही है. तो ये जो है ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, x माइनस y, तो 3 में से माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 जो है डेट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है उसका रिजल्ट दिखा रही है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जो है, एज यू कैन सी हियर, 12 हैज बीन प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रिमाइंडर ऑपरेटर था, x रिमाइंडर y, तो 3 का अगर 4 के साथ हम रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो डेट वुड बी 3, तो 3 जो है हैज बीन प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. उससे नेक्स्ट जो है वो डिवीजन ऑपरेटर है, x डिवाइडेड बाय y. रिमेंबर यहाँ पे ये जो सिंगल, ये दो दोनों डिवीजन ऑपरेटर है. नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी जो है वो डिवीजन ऑपरेटर है, और इससे बिफोर जो है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है प्रिंट स्टेटमेंट्स, ये जो मैंने हाईलाइट की है लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 पे, तो लाइन नंबर 7 पे जो सिंटेक्स है उसका x स्लैश y, यानी सिंगल स्लैश हमने इस्तेमाल किया, सिंगल डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया. लेकिन जो लाइन नंबर 8 है वहां पे डबल डिवीजन ऑपरेटर. दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो सिंगल डिवीजन ऑपरेटर है या सिंगल स्लैश जो होती है, ये क्या करती है, ये हमें क्वोशेंट रिटर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से फ्लोट वैल्यू, हमें रिजल्ट रिटर्न करती है. यानी ये इंटीजर डिवीजन नहीं है, जिस तरह हमने सी प्लस प्लस में देखा था कि सी प्लस प्लस में एक ही डिवीजन ऑपरेटर होता है हमारे पास, जो कि लाइन नंबर 7 में, जिस तरह आप देख रहे हो, और वो क्या रिटर्न करता है, वो हमें इंटीजर क्वोशेंट रिटर्न करता है, उसका इंटीजर पार्ट जो है बिफोर जो डेसिमल होता है वो पार्ट रिटर्न करता है. लेकिन अनलाइक दैट डिवीजन ऑपरेटर जो कि सी प्लस प्लस के अंदर है, पाइथन के अंदर ये क्या करता है कि ये सिंगल डिवीजन ऑपरेटर या सिंगल स्लैश जो है ये क्या रिटर्न करती है, ये हमें ना सिर्फ डेसिमल से पहले वाला पार्ट बल्कि उसके
बाद वाला पार्ट भी रिटर्न करती है। तो अगर हम इसको सी प्लस प्लस में डिवाइड करेंगे 3/4 तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इंटीजर डिवीजन, सिर्फ उसका डेसिमल से पहले वाला पार्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.75 इसकी आउटपुट है, यानी ये डेसिमल से पहले वाला और बाद वाला पार्ट दोनों पार्ट हमें जो है डिस्प्ले करती है। और जो डबल स्लैश है लाइन नंबर 8 पे, जैसे आप देख रहे हो डबल डिवीजन ऑपरेटर है, वो क्या करता है, वो हमें सिर्फ उसका डेसिमल से पहले वाला पार्ट रिटर्न करता है। यानी अगर आप इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करना चाहते हैं जैसे सी प्लस प्लस में हम करते थे, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस डबल स्लैश। तो ये जो है ये हमने इसका रिजल्ट जो है वो देखा है कि डिफरेंट जो है वो हम परफॉर्म जब करते हैं, से लेट्स चेंज द वैल्यूज, मेक एक्स 4 और वाई को जो है वो 3 कर दें एंड लेट्स सी, इसको दोबारा से रन करते हैं। तो नाउ दीज आर द रिजल्ट्स, एडिशन 7 है, एक्स माइनस वाई 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, मल्टीप्लीकेशन वुड बी 12, रिमाइंडर लेंगे जब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वुड बी 1, और जब उसको डिवाइड हम करते हैं फ्लोट डिवीजन के साथ तो रिजल्ट वुड बी 1.33, और जब इंटीजर डिवीजन के साथ जो है हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो रिजल्ट वुड बी 1। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो अवेलेबल है। अब इनकी प्रेसिडेंस के बारे में बात करें अगर हम, कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, यानी अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जी, एंड जी जो है इट हैज वैल्यू एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई और से डिवाइडेड बाय सपोज वाई, ठीक है। तो ये जो है सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो गेस के व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी, जी की वैल्यू क्या होगी। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है डेट इज सेम, जिस तरह आप सी प्लस प्लस में देखते हो कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जो होता है इनकी जो है प्रेसिडेंस जो होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एक ग्रुप के अंदर है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एक और दूसरे ग्रुप के अंदर है, और ये जो दूसरा ग्रुप है इसकी प्रेसिडेंस हायर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वाले ग्रुप से। और जब एक्सप्रेशन में से एक ही ग्रुप से ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लाइक एक एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी दोनों ऑपरेटर्स जो हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, उनकी प्रेसिडेंस सेम है, उस केस में क्या होता है, फिर वो लेफ्ट टू राइट एवेलुएट होते हैं। यानी जो एक्सप्रेशन पहले जो पार्ट लेफ्ट पे होगा सबसे पहले वो ऑपरेटर एवेलुएट होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, यानी लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें देखो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेटर जो है उनकी प्रेसिडेंस जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन नंबर 3, द एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू जी को साइन हो। अब दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी, तो सबसे पहले जो है ये फिर जब एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगी, y जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड, उसके बाद फिर जो है सेकंड नंबर पे y को y से डिवाइड किया जाएगा, दिस पार्ट विल बी कंप्यूटेड, सेकंड पार्शियल रिजल्ट विल बी जनरेटेड, उसके बाद जो है x के अंदर ऐड होगा फर्स्ट जो रिजल्ट कंप्यूट हुआ था y मल्टीप्लाइड बाय x का, वो एक्सप्रेशन उतना वैल्यूएट होगा, पार्शियल रिजल्ट जनरेट होगा, और उसमें से फिर जो है सब्ट्रैक्ट होगा लास्ट जो है हमारा जो पहले हमने रिजल्ट कंप्यूट किया था y माइनस फाइव का। सो लेट्स सी व्हाट वैल्यू वी गेट फ्रॉम हियर। सो प्रिंट सी, सो आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 15।
So you, if you have made this guess, इसका answer 15 था, you are right. Exactly in the same way as we do in C++, जिस तरह expression evaluation होती है, जो rules वहाँ पे implement होते हैं या apply होते हैं, exactly Python environment के अंदर भी arithmetic expressions जो हैं उसी तरह से evaluate होते हैं, और उनका precedence level और उनकी जो associativity है, that is exactly the same as we have worked with arithmetic expressions in C++ environment. Okay, let's talk about some logical जो है हमारे पास कौन-कौन से जहाँ operators यहाँ पे available होते हैं, relational operators जो हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हमारे पास एग्जैक्टली वही जो हैं आप कह लें कि हैं जिस तरह से C++ के अंदर हैं. लाइक लेट मी मेंशन के हमारे पास जो है लेस देन ऑपरेटर है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है, होता है लेस देन आर इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर है, इसके अलावा जो है इक्वालिटी ऑपरेटर है. लाइक लेस देन ऑपरेटर जो है हम कह सकते हैं, से हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स सपोज डेट इज 4, वाई जो है डेट इज 3, एंड वी से एक्स इज लेस देन वाई. नाउ दिस मींस के x और y के दरमियान हम रिलेशन चेक कर रहे हैं कि क्या x जो है वो y से छोटा है. तो ये जो ऑपरेटर है लेस देन, ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि इसकी जो लेफ्ट पे जो ऑपरेंड है विच इज x, आइदर दैट इज लेस देन y और नॉट, ठीक है. इसी तरह जो है हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y. ये क्या चेक कर रहा है? ये कह रहा है कि क्या x जो है वो y से ग्रेटर है. अगेन आंसर कुड बी यस और नो, इट कुड बी ट्रू और इट कुड बी फॉल्स. तो x जो है हमारा 4 है, y 3 है, सो द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू कि x जो है वो y से ग्रेटर है. वेयर एज जो पहला एक्सप्रेशन था x इज लेस देन y, तो उस केस में हम देखते हैं कि 3 जो है, सॉरी 4 जो है दैट इज नॉट लेस देन 3, तो वो एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट क्या आएगा? That would be false. इसी तरह अगर हम से चेक करते हैं कि x is less than or equal to y. अब देखो इस ऑपरेटर का मतलब यह है कि या तो x y से छोटा है, क्या x y से छोटा है, या क्या x y के equal है. दोनों में से कोई भी अगर जो है आंसर ट्रू है तो ये जो है ये इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा. यानी अगर तो एक्स और वाई इक्वल हैं एक दूसरे के, इवन देन आंसर वुड बी ट्रू. या अगर एक्स जो है वो वाई से छोटा है, इवन देन आंसर वुड बी ट्रू. सो इट इज ट्रीटेड एज एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज लेस देन, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई. लेट मी रिपीट इट अगेन, आइदर एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई. इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन होगा दैट वुड बी रेड एज क्या एक्स वाई से बड़ा है या वाई के इक्वल है. और फाइनल जो है वो चेक करता है एक्स इज इक्वल टू वाई कि क्या एक्स और वाई जो है वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम इनको प्रिंट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्रिंट दिस सपोज इसी तरह जो है इसको प्रिंट करते हैं,
पहला आंसर जो है हमारा प्रिंट जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, बिकॉज 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉल्स. नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है 4 वाई 3 से बड़ा है, येस yes, तो उसका आंसर ट्रू है. उसके बाद थर्ड था कि क्या 4 जो है वो 3 से लेस है या उसके इक्वल है, नहीं 4 ना ही 3 से लेस है ना ही उसके इक्वल है, सो आंसर इज फॉल्स. उससे नेक्स्ट था 4 क्या 3 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो यस 4 जो है डेट इज ग्रेटर देन 3, तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट था क्या 3 और 4 जो है वो इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल, सो आंसर इज फॉल्स. सो यू कैन सी के ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये जो है दे आर एवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, आइदर द रिजल्ट इज ट्रू और रिजल्ट इज फॉल्स. ओके लेट्स ट्राई टू सी run this. Okay, this is another operator not equal to. Okay, let me add it here in this list, not equal to, yani x to head that is not equal to y. So yes, x to head this is not equal to y, because 3 jo hai wo 4 ke equal is, 4 jo hai wo 3 ke equal nahi hai, so answer is true. So ye jo hai ye hamare paas logical operators hain, they are exactly the same as you have worked with as you have worked in C++ environment, wahan pe bhi hamare paas yahi relational operators hote hain aur yahi inka meaning hota hai. To ye jo hamare ye relational operators hain ye hum kahan pe istemal karte hain, ye hum jo hamari conditions hoti hain unke andar hum unko istemal karte hain. For example, say let's write an if statement. If x is less than y, print x is less than y. Else, print x is greater than y. So ये एक if else statement है. अभी इसको explain मैं करता हूँ before that जो let's run this program. ये इसकी output है कि x जो है it is greater than y, because x 4 था तो obviously ये second जो else part है ये execute हो रहा है, because ये जो if के अंदर condition है it becomes false, 4 is not less than 3, so first print statement execute नहीं होगी. Okay, इसका लेकिन syntax different है. C++ के अंदर जो है हम usually क्या करते हैं कि हम braces इस्तेमाल करते हैं एक particular block को show करने के लिए, और usually you have seen कि इसके around जो है हम parentheses इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन normally जो है पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम एक्सप्रेशन के अराउंड जो है पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करते. सिंपली आप इफ कीवर्ड लगाओगे टू मेंशन कि ये एक इफ स्टेटमेंट है, तो इफ कीवर्ड होगा उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं. आप अगर पैरेंथेसिस लगाना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वैसे भी ओके है, यानी हम पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन यूजुअली पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं होती. लेकिन फॉर द क्लैरिटी पर्पज यू मे एड पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद कॉलन लगाते हैं, ठीक है. जबकि C++ में हम क्या करते थे, हम ब्रेस शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ब्रेस लगाते हैं, और उसके बाद जो है क्लोजिंग ब्रेस होती है, और इन बिटवीन जो है स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस हमारी वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इफ से बिलोंग करती हैं, इफ पार्ट से. लेकिन अनलाइक दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इफ के साथ रेलेवेंट हैं
ये इंडेंटेशन की मदद से पता चलता है। आप देख रहे हो कि ये स्पेस है, लाइन नंबर 6 में आप देख रहे हो कि प्रिंट जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है, ये जो बीच में ये आप ब्लैंक एरिया यहाँ पे ये देख रहे हो, दिस शोज, दिस मीन्स कि ये जो प्रिंट जो है ये इफ से बिलोंग कर रहा है, ये एक ब्लॉक उसका शो कर रहा है। तो इंडेंटेशन जो है डेट इज यूज टू मेंशन द ब्लॉक, अ पर्टिकुलर ब्लॉक, अनलाइक जिस तरह हम ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट भी उसी तरह एल्स कीवर्ड है, उसके बाद कॉलन आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर प्रिंट स्टेटमेंट जो कि इससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे भी ये जो है, ये स्पेस जो इन बिटवीन आप देख रहे हो, यानी प्रिंट जो है वो लाइन के स्टार्ट में नहीं है बल्कि थोड़ा सा आगे है, तो ये शो कर रही है कि ये इसका ब्लॉक जो है ये इससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल से लेट मी राइट अनदर स्टेटमेंट, मैं इस प्रिंट को यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट हेलो। अब रिमेम्बर ये वाला प्रिंट जो है ये एल्स से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इसकी इंडेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। ये प्रिंट जो है ये ना इफ से बिलोंग कर रहा है ना ये एल्स से बिलोंग कर रहा है। ये एक जनरल जो है हमारी एक हमारे प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे कंडीशन हमारी ट्रू है चाहे फॉल्स है, इट डजेंट मैटर, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इफ एल्स आर एनी ऑफ दिस इफ पार्ट आर एल्स पार्ट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, तो आप देख रहे हो कि हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। लेट मी चेंज द कंडीशन, मैं कहता हूं कि ये मैं इस कंडीशन को चेंज कर देता हूं, स्टिल हेलो शुड बी प्रिंटेड। यू सी अगेन जो है दिस टाइम जो है आइदर हमारा जो है इफ पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो रही है और उसके बाद ये वाला प्रिंट जो है हेलो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। दिस मीन्स कि ये वाला जो हेलो वाला प्रिंट है ये इफ पार्ट से बिलोंग नहीं करता, और जब एल्स पार्ट के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी लास्ट सिनेरियो के अंदर तो उसमें भी हमने देखा कि प्रिंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था बिकॉज वो एल्स पार्ट से बिलोंग नहीं कर रहा, वो इन जनरल जो है वो बिलोंग कर रहा। लेकिन अगर आप सपोज चाहते हैं कि प्रिंट ये हेलो जो है ये इफ के साथ प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू है और ये मैसेज प्रिंट होता है एक्स इज लेस देन वाई तो उसके साथ हेलो भी प्रिंट हो, तो हमें उसको यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा, इंडेंटेशन करनी पड़ेगी। ये जो ये आप दो एरो देख रहे हो, ये एरो का क्या मतलब है, ये एरो शो कर रहे हैं कि इफ पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक लाइन नंबर 7 तक एंड हो रहा है। लेट मी एड अनदर हेलो स्टेटमेंट, अब देखो अब ये एक्सटेंड हो गया, अब ये लाइन नंबर 8 तक इफ का पार्ट जा रहा है, ये हैंड जो है माउस जो हैंड के अंदर चेंज हो गया, माउस कर्सर ये आपको शो कर रहा है कि लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 8 दिस पार्ट बिलोंग्स टू इफ, दी स्टेटमेंट 6 7 8 दीज थ्री स्टेटमेंट्स बिलोंग टू इफ पार्ट, कि अगर इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो दीज थ्री स्टेटमेंट्स विल बी प्रिंटेड अदरवाइज दे विल नॉट बी प्रिंटेड। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि एल्स के साथ मैंने हेलो अटैच करना है उस पार्ट के साथ, अब आप देख रहे हो ये एल्स के साथ भी एरो आ गया, दिस मींस कि ये जो लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 है दीज टू स्टेटमेंट्स आर द पार्ट ऑफ एल्स, ठीक है, यानी अगर एल्स के अंदर एल्स एग्जीक्यूट होता है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स 10 और स्टेटमेंट नंबर 11 दोनों एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं तो यू सी एल्स ब्लॉक इज नॉट अफेक्टेड, लाइन नंबर 12 इज नॉट इंक्लूडेड इन द एल्स ब्लॉक आर इन द इफ ब्लॉक, व्हाई, बिकॉज अब उसकी इंडेंटेशन जो है वो डिफरेंट है, उसकी इंडेंटेशन जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो अनलाइक C++ जहां पे आप ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं एक ब्लॉक को मेंशन करने के लिए, एक स्टेटमेंट के ब्लॉक को, पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर ब्लॉक जो है वो कैसे मेंशन किया जाता है, वो मेंशन होता है इंडेंटेशन की मदद से। ओके लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ये मैं 12 नंबर जो है इसको कट कर देता हूँ और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन।
ओके तो ये कौन सा पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, एक्स इज लेस देन वाई, ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है और उसके साथ ये जो दो हेलो थे वो भी आप देख रहे हो प्रिंट हो गए बिकॉज दे बिलोंग टू दिस इफ पार्ट. लाइन नंबर 6, 7, 8, दीज थ्री लाइन्स बिलोंग टू इफ पार्ट. सो दिस इज हाउ वी राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन. ओके से हम एक और जो है पार्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज else if. ये elif जो है इट इज जस्ट लाइक else if, जिस तरह हम सी के अंदर देखा था इफ स्टेटमेंट होती है उसके बाद इफ, उसके बाद else if होता है और फाइनली से उसके बाद एक और else if हो सकता है और फाइनली एंड पे else होता है या नहीं होता sometimes. जस्ट लाइक दैट हम ये एक और एल्स इफ जो है वो ऐड करते हैं और इसमें एक्सप्रेशन हम देते हैं से एल्स इफ एक्स इज लेस देन वाई, इन दैट केस प्रिंट एक्स इज लेस देन वाई. ओके इस केस में वैसे ये होना चाहिए x is greater than y. ओके और थर्ड केस हम कहते हैं कि x is equal to y, ठीक है. ये मैं क्लैरिटी के लिए ये प्रिंट बीच में से निकाल देता हूँ ताकि हमारा कोड जो है वो इट कुड गेट मोर क्लियर. ओके Now suppose x और y जो हैं they both have the value 4, तो ये पहली कंडीशन भी फॉल्स होनी चाहिए, सेकेंड भी फॉल्स अब हो जाएगी और थर्ड जो है x is equal to y ये प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पर. ओके लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ओके वी सी दिस टाइम द आउटपुट इज x is equal to y, तो ये else if पार्ट प्रिंट ही हुआ because x और y की वैल्यू 4 है. नाउ लेट्स सपोज x की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी 2 जो है x 2 है y 4 है. सो ये कंडीशन अब 2 होगी जो else if के अंदर लाइन नंबर 7 में, यानी 2 इज लेस देन 4 और स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए x इज लेस देन y. लेट्स रन दिस. ओके एग्जैक्टली स्क्रीन पे प्रिंट हो गया x इज लेस देन y, यानी else if पार्ट प्रिंट हो गया. ओके लेट्स सपोज हम कहते हैं x इज 6, अब ये फर्स्ट इफ जो है ये ट्रू हो जाएगा, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए ओनली दिस स्टेटमेंट जो कि लाइन नंबर 6 पे है, एंड एग्जैक्टली दैट स्टेटमेंट हैज बीन प्रिंटेड कि x इज ग्रेटर देन y. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इफ एल्स इन पाइथन, और या नेस्टेड इफ एल्स भी इस तरह आप इसको कर सकते हैं. सो यू आई इंकरेज यू कि आप खुद से एक्सपेरिमेंटेशन करें कि इफ के अंदर और जो है इफ ऐड करके देखें कैसे करना है, ठीक है. तो इफ देर वुड बी एनी एरर तो यहाँ पे वो आपको हाईलाइट जो हो जाएगा ये इस जगह पे. तो नाउ देर आर 6 वीक वार्निंग्स, क्या कह रहा है, मिसिंग वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर, इसके बाद मिसिंग वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर. तो एज आई सेड बिफोर वार्निंग्स जो हैं दीज आर नॉट सम सीरियस इश्यूज, ठीक है. यू मे इग्नोर वार्निंग्स, इन स्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वार्निंग्स योर प्रोग्राम विल सक्सेसफुली गेट एग्जीक्यूटेड. हाउएवर इफ देर आर नॉट इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव सम एरर्स, तो ये जो सिंबल जो है इट वुड टर्न रेड. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये कॉलम रिमूव करके देखता हूँ, नाउ यू सी देयर इज अ रेड सिंबल, यानी वन एरर है, ये सिंटेक्स एरर है. अब ये प्रोग्राम जो है वो आपका रन नहीं हो पाएगा. तो ये क्या एरर है, वो कह रहा है कि लाइन नंबर 5 पे ये एक्सपेक्टेड है, कॉलन एक्सपेक्टेड है. सो दिस इज हाउ यू कैन find out about syntax errors and warnings. yani ye wala symbol jo hai ye jo aap triangle dekh rahe ho
ये वार्निंग्स को शो करता है और ये जो सर्कल जो है रेड कलर में ये एरर्स को शो करता है एंड एरर्स आर सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एरर्स योर प्रोग्राम विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट गेट एग्जीक्यूटेड सो लेट्स सी हम इसको एग्जीक्यूट अप करते हैं यू सी वो कहता है इनवैलिड सिंटैक्स और उस एरर देखने के लिए आपको क्या करना होगा रेड सिंबल पे क्लिक करो वो आपको बता देगा कि ये वाला एरर है यू हैव टू नाउ प्रैक्टिस रिजॉल्व दिस एरर ओके उसके बाद जो है लेट्स टॉक अबाउट सम लूप्स के लूप्स जो है वो हम कैसे करते हैं इसके अंदर